हम बात करेंगे श्रेष्ठता की। दोस्तों, श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिठुर रहे थे, तभी उन्हें एक जुगनू मिला। जुगनू से रोशनी आ रही थी, जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो। बंदरों ने जुगनू को पकड़कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूंकने लगे। शायद किसी गांव में इंसानों को देखा होगा छोटी सी चिंगारी को फूंक कर आग बनाते हुए। उन्होंने भी आग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जुगनू मर गया, उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया। बंदरों ने दूसरे जुगनू को पकड़ लिया और फिर से फूंकना शुरू कर दिया। पास के पेड़ पर एक सयानी चिड़िया बैठी थी। बंदरों की मशक्कत देखकर चिड़िया ने बंदरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं, ये जुगनू है चिंगारी नहीं। देखा नहीं मुझे जुगनू को खाते हुए? अगर ये आग होती तो मैं जल जाती। तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो। हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारी भी आधी जिंदगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाती है। कोई आईने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनने निकल पड़ता है। जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती। कोई व्यवसाय करने का स्वप्न लेकर जीता है, नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है। कोई जुए में लाखों जीतने का स्वप्न लेकर चलता रहता है और जीवन नष्ट कर देता है। क्या हम सब आग की आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे? उस कहानी की चिड़िया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनू को फूंक कर आग नहीं लगा पाओगे, तो बंदरों ने गुस्सा होकर उस चिड़िया को मार दिया। हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वप्न को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है, तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसा ही नहीं होता? क्या सलाह देने वाले पर हम गुस्सा नहीं हो जाते? अब ये भी आश्चर्य है कि एक और हमें कहा जाता है, मनुष्य जब कोई स्वप्न लेकर मेहनत करता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का भेद समझना आवश्यक है। इस दुविधा का उपाय क्या है? जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे किसी के सुझाव की आवश्यकता ही नहीं, जो व्यक्ति ये मानता है कि उससे अधिक बुद्धिमान अन्य कोई है ही नहीं और उसके सारे फैसले 100% सच हैं, वही श्रेष्ठता की भावना है। इससे बंधा मनुष्य क्या वास्तव में अपने आप को जान पाता है? क्या उसके भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म ले सकता है? कहानी के बंदरों ने चिड़िया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस मिथ्या भावना के कारण वो बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। पर आज हमने बात की श्रेष्ठता पर, कल बात करेंगे प्रभाव और असफलता पर।